प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्यार सने से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी प्रयास है कि आपको ग्रहों तथा ग्रहों के कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त कराऊँ। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। यह आपको फ़ोन नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना तो मुझसे संपर्क करिए, आपको उसको कुछ फीस अदा करना पड़ेगा, मैं पूरी जानकारी आपको कुंडली का प्राप्त करा दूँगा। मैं प्रत्येक दिन एक नया वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मिथुन राशि में केतु अगर है आपके कुंडली में तो उससे आपका क्या संबंध है, क्या प्रभाव देता है, क्या हानि देता है, क्या लाभ देता है, इसको सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में मिथुन राशि हो और मिथुन का ही केतु हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक परेशान रहते हैं, पारिवारिक रूप से परेशान रहते हैं और आलसी होते हैं। जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में मिथुन राशि हो उसमें केतु बैठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, इच्छानुसार उन्नति करते हैं, करोड़ों रुपए की प्राप्ति करते हैं, परंतु गंदी आदत की वजह से कर्जदार हो जाते हैं, कमाए हुए रुपये को बर्बाद कर देते हैं। जिसकी कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन राशि हो और उसमें केतु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग को माता पिता का सुख कम प्राप्त होता है, भाई बंधुओं का सुख कम प्राप्त होता है, ऐसे लोग आलसी होते हैं, झूठ बोलते हैं और स्वास्थ्य भी इनका ठीक नहीं रहता। जिसके कुंडली में चौथे भाव में मिथुन राशि हो उसमें केतु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग जीवन में कभी इच्छानुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं, भाग्य उदय नहीं हो पाता है, संघर्ष अधिक करते हैं, आर्थिक परेशानी में रहते हैं, मानसिक परेशानी में रहते हैं, दौड़ धूप अधिक करते हैं, दिमाग से लाइवान होता है। जिसके कुंडली में लग्न से पाँचवें भाव में मिथुन राशि हो उसमें केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग सम्मानजनक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग बहुत समय तक रोजगार नहीं पाते हैं और शिक्षा के अभाव में हमेशा मानसिक तनाव में जीवन व्यतीत करते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में मिथुन राशि हो और उसमें केतु की युक्ति हो, दोस्तों ऐसे लोग शत्रु अधिक रखते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ऐसे लोग चैतहीन होते हैं, ऐसे लोग जेल जाने की संभावना बनती है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में मिथुन राशि हो उसमें केतु अगर बैठा है तो ऐसे लोगों लड़का हो या लड़की शादी इच्छानुसार नहीं होती है, शादी में रुकावट आता है, विलम्ब से शादी होता है, कभी कभी शादी के बाद भी दाम्पत्य जीवन उनका सुखी नहीं रहता है और तलाक तक की समस्या आती है। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में मिथुन राशि हो उसमें केतु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उदर रोग से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग को शुगर का बीमारी होता है, डायबिटीज होता है, दमा का बीमारी होता है, आँख संबंधी कष्ट होता है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मिथुन राशि है उसमें केतु बैठा हुआ है, क्या बात है, ऐसे लोग बनाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोग करोड़ों रुपए के कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं और हमेशा इनका जीवन उलझनों में व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में मिथुन का केतु हो ऐसे लोग व्यापार में घाटा खाते हैं, उद्योग में घाटा खाते हैं, कर्जे के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद होता है, माता पिता के दिए हुए जमीन जायदाद को भी बर्बाद करते हैं। जिसके कुंडली में
लग्न से ग्रहमय भाव में, मिथुन राशि हो उसमें केतु बैठा हुआ हो, दोस्तों ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड होते हैं, राजनीति में सफलता नहीं पाते हैं, व्यापार में सफलता नहीं पाते हैं, कमाई हुए धन भी बर्बाद हो जाते हैं और गलत सोच होती है, गलत आदत पड़ती है, नशा पानी भी करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में मिथुन राशि हो उसमें केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, ऐसे लोग के संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग मानसिक पीड़ा में रहते हैं, ऐसे लोग सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठान के बर्बाद होती है, कभी ये जीवन में सफल नहीं होते हैं और हमेशा तनावग्रस्त जीवन इनका व्यतीत होता है। ये छोटा सा वीडियो मिथुन राशि में केतु नीच का हो जाता है, इससे आपके से क्या संबंध, क्या फल देता है, ये आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो करिएगा। नमस्कार।